1 लाख रुपया कूपन का हिसाब नहीं दिया था, जेपी ने कमरे से भगाया था। मुझे वो घटना भी याद है, उस मीटिंग की घटना भी मुझे याद है। और आज ये लोग फिरंगी के और जो लोकतंत्र को जिसने मरोड़ा था, तानाशाही को, आतंकवादी को, ये लोग अपना आधा मानते हैं। मेरे साथ मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है, जिस जयप्रकाश जी के कमरे में उस समय मीटिंग से उठा करके भगा दिया गया। जेपी ने कहा भागो, हम तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी युवा से हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हट जाओ कमरे से। आज बड़े चा बड़े भाई और छोटे भाई, ये दोनों वहां थे, 1 लाख रुपया कूपन का हिसाब नहीं दिया था, जेपी ने कमरे से भगाया था। मुझे वो घटना भी याद है, उस मीटिंग की घटना भी मुझे याद है। और आज ये लोग फिरंगी के और जो लोकतंत्र को जिसने मरोड़ा था, तानाशाही को, आतंकवादी को, ये लोग अपना आका मानते हैं, आका मानते हैं। आका मानने वाले को आज चुनौती है। जेपी के उस आंदोलन में जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे का नारा देने वाले आज जंगलराज के गोद में बैठ के ये दोनों के दोनों, ये चाचा भाई भतीजा, ये फिरंगी से कम नहीं, ये फिरंगी से कम नहीं, ये फिरंगी से कम नहीं। और मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, आतताइयों को, कल आतताई मारे गए कुछ दिन पहले, उन आतताइयों के खिलाफ ये यहां का चाचा और आज हम जेपी को श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ साथ हम बाबू वीर कुंवर सिंह की वह तरनाई हर युवाओं में समा जाए, मैं वीर कुंवर सिंह से प्रेरणा लेते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब भाई और बहनों को आइए इस फिरंगी के समान शासन को 2024 में बिहार में हम 40 के 40 सीटों पर इस फिरंगी को नंगा करके दिखाएंगे, नंगा करके दिखाएंगे। और 2025 में युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां बैठे हैं हमारे युवा अध्यक्ष, इसलिए पार्टी ने सब सोच समझ करके युवा को अध्यक्ष बनाया, एक ऐसे युवा को अध्यक्ष बनाया जिसमें कुछ करने की तमन्ना है। तो आप साथ दे करके अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में 2025 कान खोल करके सुन लो, फिरंगी के सभी लाल कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो, इस चाचा भतीजा और तमाम बड़ा भाई छोटा भाई, ये चोर के चोर और मोसेरा भाई जितने लोग हो, मोसेरा भाई सब कान खोल करके सुन लो, 24 में बांग्लादेश तपाएंगे और 25 में नेपाल के बॉर्डर से भी हटाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ताकत लाएंगे।